नमस्कार किसान भाइयों, गांव किसान पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पुष्कर। दोस्तों, जो बड़ी खबर है वो ये है कि हाल ही में 12 जनवरी को खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च की गई है। काफ़ी कम कीमत रखी गई है। क्या कीमत रखी गई वो भी बताऊंगा, साथ ही इस पेंट की क्या खास बात है, मतलब क्या क्या फ़ायदे हैं वो बताऊंगा इस वीडियो में। शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि बेल आइकन जब दबाएंगे तो मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सब पहुँच जाएगा तक सबसे पहले। तो दोस्तों, इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे आपको बताते हैं खादी प्राकृतिक पेंट के फ़ायदे और कीमत। नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपको अपना गांव याद है तो शायद आपको याद भी होगा कि हमारे गांव के घरों की मिट्टी की दीवारें पीली मिट्टी और गोबर से पुती हुई होती थी, मगर आपको अब ऐसा नज़ारा शायद ही कहीं देखने को मिलता होगा। लेकिन खादी इंडिया यह समय वापस लाने की तैयारी में है। दरअसल खादी और ग्रामोद्योग ने वैदिक पेंट का निर्माण किया है, जिसे 12 जनवरी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। इसके दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, खादी प्राकृतिक डिस्टेम्पर और इमल्सन्स पेंट। खास बात यह है कि इस पेंट को गाय के गोबर से तैयार किया गया है। इसको लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इसमें एक दावा यह भी है कि इस पेंट के जरिए किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। बता दें, किसानों को 5 रुपए किलो के हिसाब से गोबर के पैसे दिए जाएंगे। इस वैदिक से 8 लाभ मिलते हैं। अगर आप इससे पेंट करवाते हैं तो आपको 8 लाभ मिल जाएंगे। सबसे जो पहला लाभ है, यह पेंट एंटीबैक्टीरियल है। दूसरे नंबर पर एंटी फंगल है। तीसरे नंबर पर इको फ्रेंडली है। चौथे नंबर पे गर्मी में राहत देता है। पांचवे नंबर पे काफी सस्ता है। छठे नंबर पर हैवी मेटल नहीं है। नंबर 7 पे नॉन टॉक्सिक्स है। नंबर 8 पे गंध रहित है। आपको बता दें कि इस गोबर से बने इस पेंट को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय मानक ब्यूरो ने सर्टिफाइड किया है। इस पेंट का आइडिया खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना ने मार्च 2020 में दिया था। इसके बाद जयपुर के संगानेर में एक इंस्टीट्यूट में इस पर रिसर्च शुरू किया गया, जिसका नाम कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट है। बताया जाता है कि यह पेंट काफी किफायत है। देश के प्रधानमंत्री किसानों की आमदनी को बढ़ाने का वादा किया था, इसलिए खादी ग्रामोद्योग ने इसकी परियोजना को तैयार किया। दावा यह भी कि इसे स्थानीय निर्माताओं को काफी राहत मिल पाएगी, साथ ही जमीनी स्तर पर रोजगार के मौके भी होंगे। बता दें, इसमें गाय के गोबर को कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए किसानों और गौशालाओं की आमदनी बढ़ पाएगी। सरकार द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार हर साल एक गाय से 30,000 रुपए की आमदनी होगी। खादी एवं प्राकृतिक डिस्टेम्पर और इमल्सन्स पेंट की जांच 3 प्रयोगशालाओं में की है, जो कि नेशनल टेस्ट हाउस मुंबई, श्रीराम इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल रिसर्च नई दिल्ली और नेशनल टेस्ट हाउस गाजियाबाद। और इस जांच में पेंट सभी मानकों पे खरा उतरा है। इसको जल्द ही बाजार में उतारा जाएगा। खादी वैदिक के अधिकारियों का कहना है, जहां एक पेंट 500 रुपए से 1,000 रुपए लीटर में मिलता है, वहीं वैदिक पेंट 110 रुपए लीटर में मिलेगा। इस पेंट को बनाने का उद्देश्य है किसानों की आमदनी को बढ़ाना, साथ ही गाय पालन को बढ़ावा देना। माना जा रहा है कि छोटे किसान और लोग जो हैं वो गाय को छोड़ देते हैं, लेकिन उसके गोबर से पैसे में मिलते हैं, तो इसी स्थिति में बदलाव आएगा। नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि बेल आइकन जब प्रेस करेंगे तो मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा अब तक सबसे पहले। तो दोस्तों, फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।